Assalamualaikum guys, linear algebra के lecture series के chapter 9 में आज हम next one supplementary problem देखेंगे chapter 9 के। आज के इस lecture में हम question देखेंगे 9.48, ये supplementary problem है हमारे पास। इसकी statement देख लेते हैं। For each of the following matrices, find all eigenvalues and a maximum set S of linearly independent factors। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर हमने बताना है कि जो मैक्सिमम सेट एस है उसमें कौन कितने वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, इसमें हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट वन पार्ट्स। और साथ में हमने क्या बताना है, ये मैट्रिक्स ए बी सी इनमें से कौन सी जो है डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, ओके, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए हमने लिख लिया यहाँ पे। हम आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, अगेन रिपीट कर देती हूँ। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स की करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ती है। करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स की डिफरेंट होती है, 3x3 मैट्रिक्स की डिफरेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा टी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी क्यू माइनस ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स टी स्केयर प्लस a11 प्लस a22 प्लस a33। ये क्या है, इनके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है मोड की फॉर्म में। t माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब यहां पे देखें ट्रेस ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो 1 माइनस 5 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया, 0 पे। डिटर्मिनेंट इसका कैसे, किसके इक्वल आ गया, 16 के। अब ये 16 के इक्वल कैसे आया है ये हम देख लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो यहां पे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, मोड पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे नंबर 6 पे क्या है, मैट्रिक्स, तो नंबर 6 प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स हम ए सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमने क्या करना है, इसको 3x3 कहाँ पे है, 1 पॉइंट पे, तो 1 प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यूज क्या है, 1 माइनस 3 3। अभी कैसे लिखते हैं ये मैं आप लोग को बता देती हूँ, 1 इक्वल टू -3 इक्वल टू 3, ऐसे प्रेस करते जाएंगे। तो ये हम सारी वैल्यूज मैंने इसकी मैट्रिक्स की लिख ली है। ठीक है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे मैच हो रही है। अब हमने क्या करना है, ऑफ पे प्रेस करना है, शिफ्ट 4 प्रेस करना है। यहाँ पे नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट, तो 7 प्रेस कर देना है। अब अगेन करना है शिफ्ट 4, तो हमने डिटर्मिनेंट किसका लेना है, मैट्रिक्स ए का। हमने किस में डाटा पुट किया है, मैट्रिक्स ए में, तो यहाँ पे 3 प्रेस कर देंगे। ये देखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और इक्वल का प्रेस कर दें, तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट इसका 16। अब उसके बाद क्या है, a11, तो a11 कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी जो वैल्यू बचेंगी उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। डिटर्मिनेंट आप लोगों को फाइंड करना आता ही है, इसका आ जाएगा -2। इसी तरह a22 हमारे पास क्या आ जाएगी, अब हमने क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो 1 3 6 और 4 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये क्या आ जाएगा, -14। अब a33 कैसे फाइंड करेंगे, अगेन थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम स्किप कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज रिमेनिंग रह जाएंगी -1 -3 3 -5, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जो ये वैल्यूज आई हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है, 0 टी स्केयर प्लस, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, -2 -14 प्लस 4 इंटू टी, और डिटर्मिनेंट क्या आया है, डिटर्मिनेंट क्या है, 16। तो ये आ गया। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा टी किसकी इक्वल आ जाएगा, टी क्यूब माइनस 12 टी माइनस 16। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसको फैक्टराइज तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब रूट्स फाइंड करेंगे तो हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इफ डेल्टा टी हैज एन इंटीजर रूट्स इट मस्ट डिवाइड 16, जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म होती है, हमने इस तरह के रूट्स लेने होते हैं जो लास्ट वाली टर्म को डिवाइड करें। तो यहाँ पे क्या है, -16, जो 2 हम ले रहे हैं -2, ये 16 को डिवाइड करता है। आप ये -2 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये -8 प्लस 24 -16, तो ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो -2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब हमने इसको क्या करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ये हमारे पास टी क्यूब की वैल्यू है, अब टी स्केयर की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये टी की वैल्यू क्या है, -12 और 16, तो फर्स्ट टर्म एज इट आ जाती है।
अब इस टर्म को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा, जीरो में ऐड करेंगे माइनस टू तो माइनस टू एजिट आ जाएगा, माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का फोर आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व प्लस फोर क्या आ जाएगा माइनस एट, माइनस एट को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन, ये वाला टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब जो ये वाली वैल्यू आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वन को टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस एट, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये हमने वैल्यूज क्या ली थी अभी, t इज इक्वल टू माइनस टू, इसको हमने ऐसे लिख दिया, और टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस एट, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास t प्लस टू और t माइनस फोर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस टू को इस तरफ लेके जाएंगे तो t प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये t प्लस टू है और ये भी t प्लस टू है, इनको हम जीरो के इक्वल भी रखते हैं तो t प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा और t माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि t की वैल्यू फाइंड करते हैं और उनको लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं t को, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। अब जब हमारे पास आइगन वैल्यूज गिवन हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये क्या फार्मूला है, मैट्रिक्स में से माइनस करते हैं आइगन वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, माइनस फार्मूले वाला आइगन वैल्यू क्या है, माइनस टू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री में क्या होती है, ये वाली, तो ये माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करना है और ये मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। और मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म में ऐड करना है, इसकी सेकंड टर्म को सेकंड टर्म में, थर्ड को टर्म को थर्ड टर्म में, सॉरी, ठीक है। तो ये हमने ऐड करके ये मैट्रिक्स लिख दी। अब इस मैट्रिक्स को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जी इज इक्वल टू जीरो, या अगेन थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जी इज इक्वल टू जीरो, एंड अगेन सिक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स जीरो। यहाँ से मैं थ्री को कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से भी थ्री को कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से भी सिक्स को कॉमन ले रही हूँ, तो यह इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, एक्स माइनस वाई प्लस जी, ठीक है। तीनों इक्वेशन से हमें एक ही इक्वेशन मिलेगी, एक्स माइनस वाई प्लस जी। अब यहाँ पे देखें एक्स जो क्या है वो लीडिंग टर्म है, वाई और जी हमारे पास क्या है, दो फ्री वेरिएबल हैं। कितने फ्री वेरिएबल हैं, दो, और जितने हमारे पास फ्री वेरिएबल हों उतने ही हमें क्या मिलते हैं, वेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो फ्री वेरिएबल हैं तो फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे किसको ले लिया, जी को जीरो ले लिया, वाई को वन ले लिया। जब जी को जीरो वाई को वन लूंगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, जी को वन ले लिया, जी को वन ले लिया और वाई को जीरो ले लिया। जब वाई को जीरो लेंगे और जी को वन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, ठीक है। और वाई को जीरो लिया होता तो जीरो पुट कर देंगे और जी को वन लिया तो वन पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग ये जो वैल्यू है वाई और जी की खुद से चूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की जीरो नहीं लेनी। जब दोनों की जीरो लेंगे तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास एक ही फ्री वेरिएबल होता था तो हम उस फ्री वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं लेते थे। अब यहाँ पे दो फ्री वेरिएबल है तो उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम जीरो ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू भी आप दोनों की ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए। अब हमने क्या करना है, सेकंड आइगन वैल्यू के क्रोस्पॉन्डिंग अगेन हमने वेक्टर फाइंड करना है। जब सेकंड आइगन वैल्यू के क्रोस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो अगेन यही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स लिख दी ए, माइनस फोर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फोर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई, माइनस थ्री माइनस थ्री 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 माइनस नाइन थ्री सिक्स माइनस सिक्स जीरो। अब इस मैट्रिक्स को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जी इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस नाइन वाई प्लस थ्री जी इज इक्वल टू जीरो, सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस जीरो जी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो ये वाली इक्वेशन बन गई, यहाँ से भी थ्री कॉमन लेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ सिक्स कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन इन तीनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमने क्या करना है, इसको एक यानी कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास ये तीनों चीज़ें जीरो होनी चाहिए। अब इसको मैंने सोल्व किया, इस पर ऑपरेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आप ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारे जीरो हो गए तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू जीरो माइनस फोर वाई प्लस टू जी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास लीडिंग टर्म है और इसी इक्वेशन में ये लीडिंग टर्म है, तो एक्स और वाई हमारे पास क्या है, ये लीडिंग टर्म है और जी हमारे पास क्या है, फ्री वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है, जब एक फ्री वेरिएबल होगा तो हमें इसके क्रोस्पॉन्डिंग एक ही वैक्टर मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू टू पुट किया, जब जी की वैल्यू टू पुट करेंगे टू टू फोर हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये फोर माइनस फोर है, ये भी माइनस फोर है, तो ये कैंसिल होकर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। वाई की वैल्यू वन, जी की वैल्यू माइनस टू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। तो यू थ्री हमारे पास जो वेक्टर आ गया वो क्या आ गया, वन कोमा वन कोमा टू, ये आइगन वेक्टर्स है दस। तो ये हमारे पास जो एस है वो क्या आ गया, यू वन यू टू यू थ्री इज अ मैक्सिमल सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो थ्री बाई थ्री का है,
जो हमें इसके आइगन वेक्टर्स मिले हैं वो भी 3 ही हैं, और इसकी आइगन वैल्यूज भी हमें 3 मिली हैं। आइगन वैल्यूज 3 कैसे मिली हैं, यहाँ पे देखें, ये क्या था, टी प्लस 2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 टू टाइम्स है, इसीलिए हमारे पास इसकी आइगन वैल्यूज भी 3 है और इसकी आइगन वैक्टर्स भी 3 है और ये मैट्रिक्स भी 3x3 है, तो इसीलिए ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Linearly independent eigenvectors of a matrix A is diagonalizable, ठीक है, अगर linearly independent है तो ये क्या होंगे, ये diagonalizable होंगे, since it has 3 linearly independent eigenvectors, let हम कर लेते हैं, इनसे हम P matrix बनाते हैं, ये जो vectors हमने find किए हैं U1, U2, U3, इनको column wise देखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 1, 0, -1, 0, 1, ये देखें, ये 1, 1, 2, इसको मैंने क्या लिया, वो दो vectors ये वाले 1, 1, 0, -1, 0, 1, इसको हमने कॉलम वाइज लिखा, तो इस तरह लिखा 1, 1, 0, -1, 0, 1, और ये वाला वेक्टर 1, 1, 2। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का पी इनवर्स फाइंड कर लेना, आप लोगों ने ए मैट्रिक्स लिखनी है और पी मैट्रिक्स लिखनी है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला आंसर आएगा। अब ये वाला आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या आई है, -2 आया है 2x और 4 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, -2, -2 एंड प्लस का 4, यहाँ मिस्टेक हो गई है, प्लस का 4, और यहाँ पे यही हमारे पास क्या है, डायग्राम मैट्रिक्स है। अब मैंने ये आंसर लिख दिया है, आप लोग इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ये वाली चीज लेके आ सकते हैं। पी इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है, कैलकुलेटर से हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, पी इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही ईजी मैथड है, कैलकुलेटर से सोल्व करने का ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आप लोगों को ये डी मैट्रिक्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।